हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर आज हम पूरा डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ पेरिनियल केयर के बारे में। यहाँ मैं आज की वीडियो में आपके बताऊंगी कि जो पेरिनियल केयर है उसके पर्पसेस क्या होते हैं, हम क्यों पेशेंट को पेरिनियल केयर देते हैं, और देखेंगे कि प्रॉपर ट्रेस सेटअप ऑफ पेरिनियल केयर कैसे होता है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, एंड बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर पूरा प्रोसीजर आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे, क्योंकि ये जो हमारा OBG है उसका एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत थैंक यू बोलूँगी कि आपने मेरी इस जर्नी में मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया। आगे भी आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे कमेंट करिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी जो पेरिनियल जो केयर है हम बेसिकली इसलिए करते हैं, उसके पर्पसेस अगर हम देखें तो जो हम पेशेंट की जो पेरिनियल स्किन है उसको क्लेंस करने के लिए, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एपिसोटमी वूंड, जो वहाँ पे एपिसोटमी स्टिचेस होते हैं, वूंड होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, उसके चांसेस और रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करने में, बॉडी में से ऑडर को रिड्यूस करने के लिए, और जो है सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, एंड टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ द वेलबींग, इसलिए हम पेरिनियल केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। अगर पेरिनियल केयर देखें क्या है, तो बेसिकली पेशेंट के एक्सटर्नल जेनाइटल या फिर उसकी सराउंडिंग स्किन को जब हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं टू रिड्यूस द इन्फेक्शन, उसको हम लोग कहते हैं पेरिनियल केयर। पेरिनियल केयर देने से पहले अभी हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द आर्टिकल्स और द इक्विपमेंट्स दैट आर यूज्ड। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हम सबसे पहले देखेंगे अ क्लीन ट्रे जो होती है उसमें हम क्या क्या रखते हैं। अ क्लीन ट्रे कंटेनिंग सबसे पहले अ स्टरलाइल एंटीसॉप टिक सॉल्यूशन होना चाहिए, 2% डेटॉल या फिर सेवलॉन। उसके बाद हम एक स्टरलाइट नॉर्मल सलाइन रखते हैं बॉटल में, शीटल फॉर्सिप्स एंटीसेप्टिक या फिर एंटीबायोटिक मेडिकेशन जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। फिर एक हम स्टरलाइट सैनिटरी पैड रखेंगे कि आफ्टर जो है जब हम क्लीन कर देंगे तो वापस पेशेंट को हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। किडनी ट्रे टू डिस्कार्ड ऑल द आइटम्स, हम ग्लव्स स्टरलाइट ग्लव्स का यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ पेरिनियल केयर, और मैकिनटॉश को यूज़ करेंगे कि जो भी बेड लिनिंग है, जो शीट्स हैं, वो पूरा जो है वहाँ पर वेट ना हो या फिर डर्टी ना हो। सेकेंड हम देखते हैं एक स्टरलाइल पैक रहता है या फिर एक अदर ट्रे कंटेनिंग रहती है जिसमें हम आर्टरी फॉर्सेप्स का रखते हैं, 1 या 2 भी रख सकते हैं। फिर डाइसेक्टिंग फॉर्सेप्स कॉटन बॉल्स रखते हैं जस्ट टू क्लीन द लाइबे मनोरा मजोरा, जो है गॉस पीसेस का यूज़ करते हैं। देन स्टरलाइल टावल टू वाइप आउट द हैंड्स आफ्टर डूइंग द सर्जिकल स्क्रब या फिर हैंड वॉशिंग के बाद। एडिशनल आइटम्स में हम इंफ्रारेड लाइट रखते हैं कि जब हमारी जो पेरिनियल केयर हो जाएगी, जब हम जो एपिसोटमी वूंड है उसको जो है क्लीन कर देंगे, तो वहाँ पर हम उसके बाद जो है पेशेंट को 10 मिनट्स के लिए हम लाइट दे सकते हैं। देन बेड पेन हम रखेंगे, अगर जो है प्रोसीजर जो है बेड साइड कर रहे हैं, पेशेंट जो है बेड से नहीं उठ पा रहा है, बेड ही पर हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अंडर द बेड जो है पेशेंट के नीचे जो है बेड पेन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जग रखेंगे विद वार्म वाटर जस्ट टू पोर एट द पेरिनियम बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर इफ़ द पेशेंट इज़ ऑन द बेड। उसके बाद हम एक अदर पेरिनियल पैड रखेंगे एंड फेस मास्क। तो ये थे हमारे सारे इक्विपमेंट्स। आइए अब हम अपना जो प्रोसीजर है पेरिनियल केयर का वो स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे पेरिनियल केयर का प्रोसीजर। सबसे पहले यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट, हमें जो है क्लाइंट को पूरा प्रोसीजर समझाना है कि हम आपके ऊपर ये प्रोसीजर करने वाले हैं। उसके बाद हमें जो प्राइवेसी है क्लाइंट के लिए वो मेंटेन करनी है। जब हम प्राइवेसी को मेंटेन कर देंगे देन वी हैव टू असिस्ट द पेशेंट टू अज्यूम टॉर्सल रिकमेंड पोजिशन विद द नीज बैन एंड ड्रेप द एरिया यूजिंग अ डायमंड ड्रेपिंग मैथड। उसके बाद जब हम प्राइवेसी जो है पेशेंट को दे देंगे, हमें पेशेंट को कौन सी पोजिशन देनी है, टॉर्सल रिकमेंड पोजिशन देनी है। अगर पेशेंट जो है वो बेड पे हैं सो हमें वी हैव टू प्लेस द पेशेंट द बेड पेन एंड रिमूव द पेरिनियल
पैड प्लेस इन द रिसेप्टेबल एंड पोर वार्म वाटर ओवर द पेरिनियम। जो हमारे पेशेंट्स बेड पे हैं, कन्फाइंड है हमारे बेड पे, तो वहाँ पे हमें जो है पेशेंट के बेड पर जो है बेड पेन को लगा देना है और जो पेरिनियल पैड है उसको हम रिमूव कर देंगे। देन वी हैव टू ओपन द स्टरलाइट ट्रे, वी हैव टू अरेंज ऑल द आर्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ द शिटिल फॉर्सेप एंड देन पोर द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इन द स्टरलाइट गॉस इन अ ट्रे। Then we have to adjust the position of the infrared light so that it shines on the peritoneum, but the distance should be 45 to 50 centimeter. ये हमें सब करना है before the procedure. Now अब हम अपना जो procedure है start करते हैं. So before starting any procedure हमें proper hand washing करनी है. Then scrub your hands and dry with the sterile towel. हमने अपने hands को proper तरीके से scrub करे, उसको हम sterile towel से आराम से जो है dry कर लेंगे. Then we'll put on the sterile gloves. उसके बाद हम sterile gloves को पहनेंगे. Then we'll take the cotton swabs with the help of the artery forceps और उसको हम जो हमारा सेवलन solution है उसमें dip करेंगे. With the help of the dissecting forceps जो है हम excessive amount जो lotion का है उसको हम squeeze out कर लेंगे into our kidney tray. उसके बाद हमें with the help of the स्वैप क्लीन जो है हमें यूरेथ्रा से एनस की तरफ क्लीन करना है. देन वी हैव टू क्लीन द एरिया फ्रॉम द मिडलाइन आउटवर्ड इन द फॉलोइंग एंड ऑर्डर. उसके बाद जब वो क्लीन हो जाएगा विल डिस्कार्ड दैट स्वैप आफ्टर ईच स्ट्रोक. हमें एक जो है स्ट्रोक के लिए एक स्वैप को यूज़ करना है. वी कैन नॉट रिपीट फ्रॉम दैट सेम स्वैप. देन स्ट्रोक्स आर टू बी लाइक इन द फॉलोइंग ऑर्डर. वी हैव टू यूज़ फर्स्ट यू हैव टू सेपरेट द वेस्टिबुला विद द नॉन डोमिनेट हैंड. जो हमारा नॉन डोमिनेट हैंड है उसकी हेल्प से हम वेस्टिबुला को जो है सेपरेट करेंगे. फिर हम क्लीन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लोट्रोसिस टू द फॉरशेट. उसके बाद then we'll clean the inside of the जो हमारा लाइबिया माइनोरा है डाउनवर्ड से फर्दर साइड के लिए एंड फर्स्ट देन टू द नियरर साइड. देन विद द हेल्प ऑफ द जो हमारा नॉन डोमिनेंट है उसको हम रिमूव करेंगे. देन वील टेक अ न्यू सॉप. देन वील क्लीन द लाइबिया माइनोरा अगेन फ्रॉम द डाउनवर्ड टू द फर्दर साइड एंड देन द नियरस्ट साइड. देन वील डिस्कस द यूज फॉरसेप्स. Then other forceps we are using just to clean the episiotomy wound. जो episiotomy wound है हम उसको दूसरे जो है with the help of other swab, other जो हमारा forceps है उसके द्वारा हम क्या करेंगे उसे clean करेंगे and it should be clean from the center outward जो है और outside of the episiotomy at the both the side. Then we'll जो wipe करेंगे हम सारे traces जो भी हमारे antiseptic जो है वहाँ पे with the help of the normal sterile saline swabs के साथ in the same manner जैसा हमने अभी पहले किया था with the help of the thumb forceps. Then we have to dry the episiotomy जो wound है जो stitches है उसको हम dry करेंगे with the help of the gauze pieces. But always remember here we don't have to use any cotton balls for this purpose. Then जो हमने infrared light रखी थी before the procedure we provide the light for at least 10 minutes. If patients हम पूछते रहेंगे कि patients को ज़्यादा warm तो नहीं लग रहा है so in between you have to ask कि ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है. Then whatever the medication or the tube, the ointment that has been prescribed by the doctor with the help of the gauze piece हम उसको apply करेंगे जो episiotomy wound है उस पर. Then हम जो sanitary pad है उसको हम वापस जो है place कर देंगे but you don't have to shift the position of the pad once it is applied. So this was all the procedure. After the procedure is done, we have to discard the gloves and used items in the kidney tray. You have to wash forceps and the tray and keep ready for the sterilization process. हमारे जो भी articles हमने use करे थे, we have to replace it. Patient को एक comfortable position देना है. जैसे ही आप जो है उनका यूनिट जो है लीव करेंगे उसको क्लीन कर देने एंड यू हैव टू रिकॉर्ड द प्रोसीजर इन द पेशेंट्स चार्ट पूरी डिटेल्स के साथ रिगार्डिंग की जो हमारा लोकिया है उसका स्टेटस क्या है और वूंड जो हमारा एपिसोटमी वूंड है उसकी कंडीशन क्या है. तो ये था हमारा जो आज का प्रोसीजर हमारा पेरिनियल केयर के बारे में. तो ये था हमारा आज का वीडियो जहां पर मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया कौन कौन से आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं इन पेरिनियल केयर में. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ. अगर आप
आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आना चाहिए, तो प्लीज आप मेरे जो लिंक है इस पे कमेंट कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन पे मुझे कमेंट कर दीजिए, हम उसे अपने नए वीडियो में लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।